प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू रक्षा मंत्रालय और शिक्षा विभाग द्वारा 2021 से वीर गाथा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये विधा को स्कूली विद्यार्थियों को वीर गाथा पुरस्कार से संबंधित सेनानियों के जीवन परिचय एवं उनके मार्गदर्शन या उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में और देशभक्ति की भावना को उजागर करने के लिए स्कूली विद्यार्थियों को ये वीर गाथा से संबंधित सेनानियों के बारे में जानकारी देने हेतु ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसमें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़ाना कला के छात्र कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक इस गतिविधि में सम्मिलित होकर के और अपने प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। के बारे में बताओ बेटा, किसने बनाया है? बताओ। मैं शीतल मर्सकोले कक्षा 8 से। हम महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में तैयार किए हैं। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्र संग्राम में अंग्रेजों से युद्ध किया था और वीर गति को प्राप्त। शासन हिल उठे राजवंशों ने प्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगों को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मोमिन सुनी कहानी थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जो चित्र बनाया है वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत, ये किनका चित्र है आपने बनाया? यस। हाँ, अपना नाम बताएं। मेरा नाम आचल पंचेश्वर है, कक्षा 11-8 की छात्रा हूँ। वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत मुझे यह चित्र बनाने का अवसर मिला है। हवलदार बचित्तर सिंह को प्रथम अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनके साथ साथ नर बहादुर खापा को भी मिला अशोक चक्र। शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक है। बहुत बढ़िया। ये वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत ये आपने जो चित्र बनाया है, ये अपना नाम बताएं और किनका चित्र बनाया इसके बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम कुमकुम विश्वकर्मा है, मैं 11वीं 8 की छात्रा हूँ। वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.2 के तहत मुझे राइफल मैन संजय कुमार के बारे में मतलब ड्राइंग बनाने का अवसर दिया गया। अच्छा, इनके बारे में बताएं जरा, राइफल मैन संजय कुमार कौन थे? राइफल मैन संजय कुमार एक भारतीय सिपाही थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में इंडिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी बहादुरी के लिए 4 जुलाई 1999 में इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अच्छा, 1999 के कारगिल युद्ध में एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसलिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया। ये वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत ये बच्ची ने एक ये पोर्ट्रेट बनाया है। बेटा बताओ ये कौन है और ये आपने किन का चित्र बनाया है? सर, ये वीर गाथा प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने यह चित्र बनाया है। सर, ये मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं, इन्हें प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अच्छा, मरणोपरांत दिया मेजर सोमनाथ शर्मा। अच्छा, इनके योगदान के बारे में कुछ बता सकते हैं? कब कौन सी लड़ाई में इन्होंने अपना बलिदान दिया? पाकिस्तान युद्ध से। अच्छा, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इन्होंने वीरगति प्राप्त की। चलिए, आपका प्रोजेक्ट क्या है दिखाएं जरा, वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत क्या बनाया है? मैंने वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत विक्रम बत्रा का चित्र बनाया है। कैप्टन विक्रम बत्रा। अच्छा, हाँ, इनके बारे में बताएं जरा, क्या योगदान? कैप्टन विक्रम बत्रा सेना के अधिकारी थे। उनके पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा था, उनकी माता का नाम कलमात्मा बत्रा था। 15 अगस्त 1999 में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी 2021 में रियल फिल्म शेरशाह के नाम से बनी थी। अच्छा, फिल्म भी बनी उनके जीवन पर। उनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हुआ था। उनकी मृत्यु 7 जुलाई 1999 में हुई। 7 जुलाई 1999 को वो शहीद हो गए, है ना? कैप्टन विक्रम बत्रा कौन से युद्ध में उन्होंने अपना बलिदान दिया? कारगिल युद्ध, है ना, 1999 के कारगिल युद्ध में
कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपना बलिदान दिया और वीरगति को प्राप्त हुए। इन्हें किसी सम्मान से सम्मानित किया गया था? कौन सा सम्मान दिया गया था? परमवीर चक्र। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत क्या कौन किसका चित्र बनाया बेटा? ये विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का चित्र है। अच्छा, कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, हाँ, इनके बारे में बताएं जरा। ये भारत के पायलट विंग कमांडर कैप्टन अभिनंदन वर्धमान हैं। इनके यह रिटायर्ड एयर मार्शल के बेटे हैं। उनका परिवार तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले में रहता है और यह वायुसेना के फाइटर पायलट के शहर के तौर पर भी शामिल हुए थे और 2004 में इन्होंने वीर परमवीर चक्र प्राप्त किया। ठीक है, तो ये कैप्टन अभिनंदन है ना। अच्छा, इनकी एक बहुत बड़ी पहचान है, उनकी मूछें हैं ना, स्पेशल टाइप की इनकी मूछें हैं, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग अपना चित्र डिस्प्ले करें जरा। ये था प्रोजेक्ट के तहत आपने क्या किया है, एक निबंध लिखा है ना। चलिए अपने निबंध के बारे में बताएं जरा, किसके बारे में लिखा आपने? सर, मेरा नाम ऋषिका राहुलनाल है, मैं कक्षा 8वीं ए की छात्रा हूँ। वीर गाथा परियोजना की शुरुआत देश के वीर सैनिकों के लिए की गई है। सैनिक देश की सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व भूमिका निभाते हैं और अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे में भारत सरकार सभी ओर से बहादुरी और शौर्य से परिचित करने के लिए वीर गाथा परियोजना की शुरुआत की गई है। शाला स्तर से 4 एंट्रीज हमें भेजना है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 100 बच्चों का चयन किया जाना है जो 26 जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस पे सेना रक्षा मंत्रालय के विशेष मेहमान होंगे। बहुत, तो वीर गाथा प्रोजेक्ट कुल मिला के एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। जो वीर गाथा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे वीरता की जानकारी छात्र छात्राओं में प्रसारित करना उनका लक्ष्य है, ताकि बच्चों में देशभक्ति की भावना डेवलप हो सके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बोले बेटा एक बार, भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।